हेलो फ्रेंड्स, आज बनेगा स्पंज केक। मेरी नॉटी गैंग जो है वो आज फरमाइश कर रही है स्पंज केक की, तो मरियम करेंगी और मैं शूट करूंगी। देखिए, अब दो अंडे ले लिए हैं, इनको पहले तोड़ के मिक्सिंग बोल में मिला लेंगे। इसको अच्छे से अंडे को थोड़ा सा बच्चों से भी काम लेना चाहिए ताकि वो उसके लिए जो है प्रिपेयर हों आगे की लाइफ के लिए। देखिए, ये एक अंडा मरियम ने तोड़ लिया है और उसके अंदर थोड़ा सा छिकल भी चला गया था, उसे हाथ से निकाल लिया। और अब दूसरा अंडा ये फोड़ेंगी, इसके अंदर क्रैक करिए दूसरा अंडा उसके अंदर। और अब ये इसके अंदर आधा कप शुगर छोटी वाली अपने हाथ से डाल रही हैं, क्योंकि जब बड़ी करती हैं तो छोटी को भी वही काम करना ज़रूरी होता है। हाफ कप शुगर है। अब इसको अच्छे से इससे जो है मिक्स, ये जो हैंड ब्लेंडर है इससे अच्छे से विस्प कर लेंगे। देखिए, अच्छे से इसको विस्प कर लेंगे, देखिए शक्कर अच्छे से भून जाएगी। देखिए, ये अच्छे से विस्क हो गया। अब 1/4 कप इसके अंदर डाल देंगे ऑयल और विस्क करें, और 1/4 कप इसके अंदर मिला देंगे मिल्क। देखिए, अब अच्छे से ये विस्क हो गया है। अब इसमें 1 कप मैदा डाल देंगे, 1 कप से थोड़ी कम है, 3/4 कप मैदा है, ये छोटी वाली डाल रही है। और अब इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे और 1/4 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देंगे और इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि कोई गांठ और गुठली ना रह जाए। देखिए, अब ये इसको अच्छे से, चाहे आप स्पैटुला से मिक्स कर लें और चाहे तो हैंड ब्लेंडर से कर लें मिक्स। चलो, स्पैटुला से पहले कर लिया था ताकि गांठी ना बने, फिर उसके बाद इससे कर लिया था। अब ये छोटी वाली जो है वो भी अपना कुछ क्रिएटिव दिखाना चाहती हैं। वेट मरियम, वेट। अब ये छोटी वाली कुलसुम जो है वो इसमें डाल रही हैं 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। ओके, अब फिर से कर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये एक मोल्ड ले लिया है केक का और उसमें बटर पेपर लगा लिया है। अब सारा बैटर उसके अंदर हम शिफ्ट कर देंगे और मैं इस बार बनाऊंगी केक को एयर फ्रायर में, क्योंकि इनकी अम्मा तो जॉब पे जाती हैं, मुझे मालूम नहीं है इनका ओवन कहाँ रखा है। तो अब मैं इसको प्री हीट करूँगी 5 मिनट एयर फ्रायर को, फिर उसमें रखूँगी। देखिए, 25 मिनट के लिए मैंने लगा दिया है एयर फ्रायर में, रख दिया है केक का बैटर रख दिया है 25 मिनट के लिए रखा है।